सनसनी ऑफ इंडिया। बिहार के कुख्यात मोस्ट वांटेड संकी बदमाश 33 वर्षीय सुरेश तिवारी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस से बचने के लिए वो बीते 2 महीने से बदरपुर इलाके के जैतपुर में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बिहार में ताबातोड़ चाकू मारकर हत्या की 3 वारदातों को उसने अंजाम दिया था। हत्या और लूट के मामले में बिहार पुलिस को उसकी तलाश थी। आरोपी इतना संकी था कि जिसने अपने छोटे भाई की मात्र इस बात पर हत्या कर दी थी कि उसके भाई ने शादी के समय उसे दुल्हन के साथ कार डोली में नहीं बैठाया था। जैसे ही दुल्हन ने घर के अंदर प्रवेश किया, आरोपी ने अपने छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी। स्पेशल सेल DCP दक्षिणी रेंज जसमीत सिंह के अनुसार, सेल में तैनात इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को सूचना मिली थी कि जबरन उगाही के लिए हत्या और लूट में वांटेड केसों में बिहार में वांटेड बदमाश सुरेश तिवारी बदरपुर के जैतपुर इलाके में कहीं छिपकर रह रहा है। बदरपुर के जैतपुर इलाके से बिहार के मोस्ट वांटेड को खोजने के लिए स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में SI आदित्य, SI सतविंदर, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल सचिन, मोहित और आमिर की टीम ने इन्फॉर्मेशन पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 1.5 महीने की जाँच के बाद स्पेशल सेल टीम के हाथ सफलता लगी। टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि सुरेश तिवारी जैतपुर इलाके में किराए का एक मकान लेकर छिपकर रह रहा है। टीम ने थाना जैतपुर इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिनांक 27 दिसंबर 2021 को टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से टीम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि बिहार का मोस्ट वांटेड सुरेश तिवारी हथियार के साथ शाम लगभग 4 से 5 के बीच बदरपुर इलाके के सौरभ विहार लवकुश चौक पर आएगा। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर टीम ने लवकुश चौक पर ट्रैप लगाया। शाम करीब 4:30 बजे सुरेश तिवारी लवकुश चौक पर पहुंचा। मुखबिर के इशारा करने पर स्पेशल सेल टीम ने दौड़कर दबोच लिया। तलाशी में आरोपी के पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी की पहचान छपरा बिहार निवासी 33 वर्षीय सुरेश तिवारी पुत्र शिवजी तिवारी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ बिहार में हत्या के 3 केस दर्ज हैं। ये 28 अक्टूबर 2021 को रिविलगंज में स्थानीय डॉक्टर प्रभु राय के क्लिनिक गया। इसने डॉक्टर प्रभु राय से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। डॉक्टर ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। ये क्लिनिक से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसके बाद ये दिल्ली आकर जैतपुर इलाके में छिपकर रहने लगा। आरोपी सुरेश तिवारी ने अपने छोटे भाई मुकेश तिवारी की उस 18 अप्रैल 2016 में उस समय हत्या कर दी थी जब शादी के बाद मुकेश तिवारी अपनी पत्नी के घर में प्रवेश कर रहा था। घर में शादी की रस्म चल रही थी। आरोपी ने भाई की इसलिए हत्या की थी कि भाई ने उसे दुल्हन के साथ डोली वाली कार में नहीं बैठाया था। वर्ष 2005 में जुए के पैसे के बंटवारे को लेकर इसने सुधीर राय की हत्या कर दी थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।